हिमाचल प्रदेश में जिस तरह बाहरी राज्यों से लोगों के आने के बाद कोरोना पॉजिटिव के मामलों में इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए रामपुर प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेजकर उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। अगर कोरोना मरीज आ भी जाए तो उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक ज्यूरी, रामपुर, नोगली तथा तकलेच चार स्थानों पर इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां 66 लोग क्वारंटाइन में हैं, जबकि बाहरी राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों से आए 530 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। अब तक 1400 से अधिक लोग क्वारंटाइन अवधि पूरा कर चुके हैं। रेड जोन अथवा कोरोना संभावित क्षेत्रों से आए इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रह रहे 35 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है, जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इससे ऊपरी शिमला और रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में राहत की खबर जरूर है। प्रशासन ने लोगों को घरों से बेवजह बाहर ना निकलने की अपील की है, ताकि वे संभावित संक्रमण से बच सकें। जैसा कि आपको पता है, रामपुर में क्वारंटाइन सेंटर हमने चिन्हित किए हैं, जो हमारे एक्टिवेट क्वारंटाइन सेंटर है। दो रेस्ट हाउस हमारे तकलेच में चल रहे हैं, एसजेविल ज्यूरी में हमारा एक क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, रतन एजेंसी नोगली में हमारा क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। यहाँ पर सरकार की तरफ से समुचित सुविधाएँ प्रदान करवाई जा रही है, और इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में अभी तक हमारे पास 60 से ज़्यादा लोगों की संख्या हो चुकी है, और होम क्वारंटाइन में हमारे पास 1400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना होम क्वारंटाइन पूरा किया और वो जो है किसी भी प्रकार के संक्रमण से रहित पाए गए, कोई भी उनमें संक्रमण नहीं पाया गया। और हमारे पास 530 के आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहरी प्रदेशों से आए हैं और जो अपना 14 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा करने जा रहे हैं, और अभी उनका क्वारंटाइन पीरियड चला हुआ है। इसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमने 30 से 35 सैंपल शिमला आईजीएमसी के टेस्टिंग के लिए भेजे थे, जो कि सारे सैंपल नेगेटिव पाए गए। बहुत खुशी की बात है रामपुर बुशहर के लिए। हम दिल से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारे बीच संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति ना आ पाए, और यदि कोई व्यक्ति आए तो उसको हम ऐसे संस्थागत क्वारंटाइन में अलग कमरे में बंद करके रखें, ताकि संक्रमण अन्य लोगों में ना फैले और उसको जो सेहत स्वास्थ्य की सुविधाएं वहीं पर प्रदान कराए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी जो है हमारा रामपुर शिमला जिले का व्यक्ति संक्रमण से ग्रसित ना हो। आप लोग सब लोगों से मेरा आशा है कि आप पूरा सहयोग देंगे और आप कम से कम संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे। यदि कोई नितांत आवश्यकता है तभी आप घर से बाहर निकलें, तो आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में गोहर विद्युत डिवीजन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामले में विद्युत विभाग द्वारा कोरोना संकट के दौरान एक दिव्यांग महिला कर्मी को